नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो विभिन्न आयोग यानी स्टेट पीसीएस और फिर यूपीएससी में पूछे गए हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर सर के द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ये बीपीएससी का प्रश्न है, 49वीं बीपीएससी। व्याख्या है, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। क्या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है। फिर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर आगे देखते हम लोग, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी। तो अभी हमने पढ़ा था भारत का महान्यायवादी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। चौथा प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भी आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में। छठा प्रश्न फिर से उसी प्रकार का है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अभी मैं पढ़ के चली जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे लगभग उसी से रिलेटेड है। तो सातवां प्रश्न है, भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। व्याख्या है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है। आठवां प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार क्या है? तो भारत सरकार के हैं, ठीक है। फिर नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ये आंसर हो जाएगा महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। दसवां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है? तो आंसर हो जाएगा पहला कथन है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, तो ये भी सही है। और तीसरा है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। और चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये गलत है। प्रसाद पर्यंत रहते हैं ये। देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, ए 1 और 2। व्याख्या है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है तो बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। फिर महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये यहाँ पे क्या कह रहा था कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 76(4) में कहा गया, ठीक है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि 3, 4 गलत है। आगे चलते हम लोग। 11वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता होगा। और दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो दूसरा कथन गलत है, आंसर 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस 2020 का प्रश्न है, तो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। यहाँ पे व्याख्या कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ठीक है। 12वें प्रश्न पे चलते हैं, भारत का महान्यायवादी क्या है? तो इसके संदर्भ में पहला कथन है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही बात है। और लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है भाई। और लोकसभा में मतदान कर सकता है, गलत बात है,
मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आईएएस प्री 2013 का प्रश्न है। व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्रवाईयों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार कथन 1, 2 एवं 3 सही है जबकि 4 गलत है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को। 14वें प्रश्न पे चलते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाईयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यह हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, 16वां प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये आंसर हो जाएगा ई। कौन हो जाएगा भाई? तो देखते हैं। व्याख्या है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्रवाई में महान्यायवादी भाग ले सकता है, ये तो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। पर यहाँ पे व्याख्या है, चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उपराष्ट्रपति और ये अटॉर्नी जनरल। ठीक है, हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। जब उन्हीं के बारे में बात हो रही है तो फिर कैसे सभापति रह सकते हैं ना। आगे कि इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने की बात हो तो वहां महान्यायवादी ही होगा क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल, या फिर मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो आंसर हो जाएगा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। 18वां प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग कौन ले सकता है? तो ए और सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। 19वां प्रश्न है, भारतीय न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही है और ये सही है, ये सही नहीं पूछ रहा है, यानी कौन सा सही है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है और उसे संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, ये भी सही है। और ये क्या, सी, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये गलत है। तो ये हो जाएगा आंसर और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा ये चैप्टर, लेकिन बोरिंग नहीं समझना है। आप लोग देखिए प्रश्नों की प्रकृति और फिर प्रश्नों की रिपीटेशन पे ध्यान देना है आपको। ये तो यूपीपीसीएस 2017 में पूछा है, यूपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा ही है, फिर ये 60वीं 62वीं 2016 में पूछा है, तो बार बार प्रश्न आते हैं यहाँ से। बोरियत देख के हमें चैप्टर सेलेक्ट नहीं करना है ना, कि कौन सा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, कौन सा बोरियत से भरा हुआ है, ऐसे करके नहीं पढ़ना है। चलिए आगे 20वें प्रश्न में चलते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होता है, विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त तो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर होता है क्या होता है भाई? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है, सॉरी यहां लगाना था बी पे, सी पे लगा दिया मैंने, वो गलती से चल गया। ये हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 1994 का प्रश्न है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ये 45वीं बीपीएससी 2001 का प्रश्न है। ठीक है, व्याख्या है कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(1) वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत रहता है। और अनुच्छेद 165(3) यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, 23वां प्रश्न, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। 24वां प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है? तो आंसर इसका हो जाएगा महाधिवक्ता, सी। ठीक है, महाधिवक्ता। 25वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 25वां प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये गलत है। फिर दूसरा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपील तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। ठीक है, व्याख्या पे चलते हम लोग। व्याख्या क्या कहता है इसका,
व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अतः कथन एक गलत है। और सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। ठीक है, सलाहकारी क्या होती है? सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। अच्छा, आप लोगों को एक काम करना है, अनुच्छेद 142 बहुत चर्चा में आजकल। क्या है अनुच्छेद 142? ये आप लोगों को जाके पहले तो पढ़ना है, और अगर पता है तो अभी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 142 क्या है। वीडियो पॉज कीजिए और अभी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि अनुच्छेद 142 क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। 28वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। अभी व्याख्या में पढ़ा हमने, इन सब क्वेश्चन में ना गलत नहीं हमें करना है कोई भी। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा। ठीक है, ये यूपीपीसी 2012 का प्रश्न है, हो सकता है 12 जून को पूछ लिया है। 30वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है, अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से या फिर इनमें से जो पहले हो, यानी 6 या 65। ठीक है, 31वां प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही बात है। और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही बात है। और डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। आंसर पूछ रहा है, डी हो जाएगा आंसर। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, पदच्युत नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति, याद रखना। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148 है। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, 32वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी का। ठीक है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये पालन नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, बाकी सभी पालन किया जाता है। आप लोग वीडियो पॉज करके ये तीनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे व्याख्या इसका, कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, नियंत्रण क्यों करेगा भाई, वो लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं कौन कौन से? तो पहला है कि वह केंद्र व राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है और राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। और वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आगे है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। तो ये अंतर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बीच में और यूके के महालेखा परीक्षक के बीच में, ठीक है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के बीच में। 34वां प्रश्न है, लोक निधि के फलोत्पादक और आसयित प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत में कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। तो ये क्या है देखते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा है कि कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा है कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांच करता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। आगे चलते हैं। आगे है कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांच से समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। ये क्यों लगाएगा भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, ठीक है। ये आईएसपी 2012 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या है कि अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। अन्य दोनों प्रश्नगत कथन सही नहीं हैं, ठीक है। 35वें प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो संसद की है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है, ठीक है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। व्याख्या है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध किसमें है? आर्टिकल 148 में, ठीक है। और 149 में क्या है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दिया गया है, ठीक है। 37वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आंसर अभी हमने पढ़ा था इसका, आर्टिकल 149। ये चैप्टर थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बहुतों को लगता है ये, बाकी मन लगा के पढ़ना है। बोरिंग लगना है या फिर खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, रुचि नहीं जग रही है, ये सब ना बहाने नहीं चलाने यहाँ पे, ठीक है। अब आप आए हो तो आपको वीडियो पूरा देख के जाना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पहले उससे पहले मैं क्लीन कर दूं जरा, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पे। 38वां प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उसे अपने पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? तो देखते हैं, यहाँ पे स्टार लगा दिया है, तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ये यूपीपीसी 2006 का प्रश्न है। व्याख्या है कि अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। यही हमने पीछे पढ़ा था अभी, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो बैक करके जाके सुन सकते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए, ठीक है। 39वां प्रश्न है,
भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, किसका? तो लोक लेखा समिति का। व्याख्या है, लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, 40वां प्रश्न है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो आंसर हो जाएगा 1976। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 2019 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। व्याख्या देखते हैं कि सीएजी कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्त अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया है। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन यानी अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। यानी भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो मात्र केंद्र की अकाउंटिंग नहीं करता लेकिन राज्य की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही करता है। ठीक है, ये फैक्ट हमें याद रखना है। 41वें प्रश्न पे चलते हैं, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1976 ईस्वी। 42वां प्रश्न है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है भाई? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं कि केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। 43वां प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को वीडियो में बने रहना है, वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं जो कि यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी और फिर 67 पीपीएससी के री एग्जाम में समान रूप से उपयोगी है। आप सभी को वीडियो पूरा देखना है और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज लाई जा रही है, फायदा तो उठाओ आप लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 44वें प्रश्न पे कि भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, किस चीज का? तो ये लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। ठीक है, क्या है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा, वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात कही है बाबा साहब अम्बेडकर ने यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो अगर कहीं यूपीएससी में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कोई फैक्ट आ जाए ना, तो उसको हम लोग कैसे इन्हेंस कर सकते हैं? किसी राजनीतिज्ञ या फिर किसी संविधान सभा के सदस्य के जो कथन है, प्रसिद्ध कथन है, उसको हूबहू लिख कर हम लोग अपने आंसर में आंसर को इन्हेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज याद रखना चाहिए। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र हो ही रहा है, तो अभी करंट में एक न्यूज थोड़ा चल रहा है कि बाबा साहब ने चीन की विस्तारवादी नीति पर बहुत पहले ही टिप्पणी कर चुके थे, तो क्या है वो नीति और क्या है वो न्यूज, वो जाके आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सर्च करो और देखो कि क्या था बाबा साहब का विचार चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 45वां, कि गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, क्या बने हैं भाई? तो ये बने 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कब पूछा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में पूछा है। आगे चलते हैं हम लोग, व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। ठीक है, 46वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो ये लोक लेखा समिति से। भारत का महाधिवक्ता ये संबंधित है भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, और भारत का महान्यायवादी ये संबंधित है लोकसभा की बैठक से। ठीक है,
सही सुमेलन है यहाँ पे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति, ठीक है, और भारत का महाधिवक्ता यानी महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय, और भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक। प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लिखित है जो कि गलत है, ठीक है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। तो आप लोग ये सुधार करके चलना है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, ठीक है। लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। आगे आता है अगला टॉपिक जो है वो है वरीयता अनुक्रम, ठीक है। और अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, यानी ये वीडियो आप लोगों को पसंद तो आ रहा है, ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो आपको पहले ये काम करना है। आप लोग नए हैं और ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो का लिंक, इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इससे पहले मैंने मध्यकालीन भारत के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं इसी चैनल पे, जो कि अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, उससे एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी या बीपीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आएंगे, समान रूप से वो उपयोगी है, आपको वो देखना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए सीधे हम लोग वरीयता क्रम से संबंधित जो प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें क्या हो जाएगा सही अनुक्रम? तो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर आएंगे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके पश्चात मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। तो दिए गए अधिकारियों का क्रम लगा लिया हमने सी। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो आंसर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। 1997 में पूछा गया ये प्रश्न। आगे चलते हैं हम लोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम क्रम से इस प्रकार है, पहले राष्ट्रपति, उसके पश्चात उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा पांच क में है उप प्रधानमंत्री, और भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष क्रमांक 6 पर है। यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो समकक्ष है, ठीक है, क्रमांक संख्या 6 पर है वरीयता क्रम में। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो आंसर हो जाएगा अपने राज्य में राज्यपाल, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका आंसर ई दे रखा है। कौन पहले आता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। देखते हैं हम लोग व्याख्या, देखते हैं इसका। इसमें है वरीयता अनुक्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस विभिन्न अधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 क में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। और ये बताइए, लोकसभा अध्यक्ष किनके समकक्ष होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर ध्यान नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्या पढ़ा था हमने? कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष क्रमांक 6 पर है, ठीक है। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रश्न आते हैं। आप किन्हीं किन्हीं का ये एक्सक्यूज होगा कि इससे तो एक ही प्रश्न आ रहा है, तो क्या पढ़ के जाना भाई, एक प्रश्न क्या मायने रखता है? तो एक प्रश्न क्या मायने रखता है ना, जिनसे पूछिए उनसे पूछिए जो कि एक नंबर के कारण प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, ठीक है, जो मेंस देने से चूक गए हो मात्र एक नंबर से। आप बहुत सारे लोग होंगे ऐसे आसपास में, आप जाके पूछिए उनसे एक नंबर की महत्ता क्या होती है भाई। अब चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। व्याख्या है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। छठा प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो आंसर हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है। तो ये वरीयता क्रम से भी संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए इस सीरीज में। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? एक तो देखा महान्यायवादी,
महान्यायवादी महाधिवक्ता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर वरीयता क्रम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर किया है। और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, एक मिनट मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। अगला टॉपिक है संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा या फिर संसद की कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, इन सबसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और संसद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी को ये सीरीज के साथ जुड़े रहना है। और साथ ही साथ आपको एक काम करना है, इस वीडियो में कहाँ आपको कमी लगी, क्या सुधार की आवश्यकता है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, ठीक है। तभी तो ये वीडियो क्वालिटी सुधरेगी, या फिर वीडियो में क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए, क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये आप लोग बताएंगे, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वीडियो में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो तो कम्प्लीट हुआ, बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में, सॉरी अगले वीडियो में, माफ कीजिएगा, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।